बताइए कांग्रेस की राजनीति कैसी है? जी ठीक है, कभी वो कांग्रेस कांग्रेस की राजनीति राजनीति कहां से कहां मुर्दों की पहुंच रही है? राजनीति है, सबकी कभी वो पेंट राजनीति में है, आग लगाती और है, आपके कभी कहीं लोगों पहचाने के से ऊपर नहीं बारिश पहुंचने करती वाली है। है। जी इस तरह की राजनीति करके अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि सच्चाई यही है कि राजनीति इमोशन का खेल है, और आज का इमोशन देश के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है। अभी तक की राजनीति में कभी राष्ट्रवाद मुद्दा बना नहीं है। डीजल, पेट्रोल, हमेशा से महंगाई, राष्ट्रवाद बेरोजगारी, जब मुद्दा से था, देश कौशल गांधी आजाद ये हुआ आपकी है पैदाइश तब से नहीं है, मुद्दा जरा है, और राष्ट्रवाद का आज भी इतिहास मुद्दा बहुत पढ़िए। जरूरी है। देश में लेकिन आजादी राष्ट्रवाद अरे से मिली, भाई राष्ट्रवाद अमिताभ सदैव जी, नेहरू ने अमिताभ राष्ट्रवाद जी, के दम पर ही खुद किस राष्ट्रवाद की बात निरपेक्ष कर रहे हो? आंदोलन देश खड़ा को किया, जिस राष्ट्रवाद देश को जिसको के दम आपने पर इतनी खुद बार निरपेक्ष बांटा, आंदोलन खड़ा किया, कितनी जरा बार बांटा राष्ट्रवाद का आपने, इतिहास पढ़िए देश और का विभाजन समझिए। आपके नाम से आपके आप भारत कहने से छोड़ो यात्रा चला 2014 रहे के बाद हो, राष्ट्रवाद वो पैदा भारत छोड़ो होगा, यात्रा आपके कहने जो से तो आपने आजादी लोगों को 2014 में जोड़ने मिलेगी, सकी। जो 47 मिली थी वो तो अरे अधूरी थी, झूठी आजादी त्रिपाठी थी, जी सुन असली तो आजादी लीजिए, तो 14 में मिली, राष्ट्रवाद 14 के बाद पैदा हुआ, कौशल गांधी राष्ट्रवाद 2014 के बाद पैदा हुआ ना, यही तो आप बता रहे हैं। त्रिपाठी अरे आप अनर्गल प्रलाप करेंगे तो कैसे सुना जाएगा कौशल जी? आप जी भैया, बैठो दोनों दोनों राष्ट्रनाम लोग के रुके, आगे दोनों लोग रुके, दोनों लोग दोनों दोनों लोग रुके, थोड़ी देर के लिए रुके, थोड़ी 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 देर के लिए, थोड़ी थोड़ी देर रुके, बाकी मेहमान के पास चला। अरविंद जयतिलक जी, अभी कांग्रेस ने कहा कि हम दक्षिण में मजबूत हैं, लेकिन मैंने इमरजेंसी का उदाहरण इसलिए नहीं दिया था ये बताने के लिए कि आप आज मजबूत हैं। आज तो स्थिति इधर भी लुटिया डूबी, उधर भी डूबी है। दक्षिण में जगन मजबूत हैं, दक्षिण में स्टालिन मजबूत हैं, कांग्रेस मजबूत नहीं है। अगर कांग्रेस दक्षिण में मजबूत होती तो 77 में 120 सीट जीत सकती थी दक्षिण से, और अब पूरे देश से 44। अरविंद जयतिलक जी कह रहे हैं कांग्रेस बिल्कुल ही दक्षिण में मजबूत नहीं है, 129 सीटें हैं, और आप देखिए कि तकरीबन 2 दर्जन कांग्रेस के पास सिर्फ है, यानी आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ है। बिल्कुल आपने सही कहा, जगन मोहन है, केसीआर है, स्टालिन है, ये कहाँ टिकने देंगे कांग्रेस को? अब आंध्र प्रदेश में अगर कांग्रेस चाहे कि हम जो है स्थिति मजबूत कर लें, तो वही कांग्रेस तो जगन मोहन लेकर के बैठे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी आपने तैमूर रावण की बात की, तो अमिताभ जी, खलनायकों की लोकप्रियता का फंडा सिर्फ फिल्मों में नहीं चलता है, सियासत की दुनिया में भी खूब चलती है। अगर दिग्विजय सिंह के मुंह से ओसामा जिस शब्द आते थे, तो आप यूं ही समझ लीजिए कि किस मेंटेलिटी के राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनका प्रतिरोध का प्रस्तावना भी इतना कमजोर है कि सत्ता पक्ष को चुनौती तक नहीं दे पा रहे हैं। अगर अगर राहुल जी का बारिश में भीगती हुई तस्वीर, जो सियासी पिक्चर का जो फर्स्ट लुक आया है, कांग्रेस इसको अगर इस कदर प्रचार करेंगे कि इसके बूते ही जो है हम दक्षिण में झंडा गाड़ देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दौर जो है वो जो रामा राव है, या वो जो है कोई फिल्म अभिनेता है जिसके बूते जो है पूरी दक्षिण की जनता उमड़ करके कांग्रेस के पीछे लंबवत हो जाएंगे। हसरतों का इनकलाब अपने जहन में जरूर रखे, दिमाग में रखे, लेकिन ये पूरी लड़ाई जो है वो राजनीतिक दूरदर्शिता की होगी, और जो जो जनता की जो जो एक रवायत होती है उसके साथ जुड़ने को होती है। अब देखिए आप क्या ये तस्वीर से, आपने कहा अभी कि 6 लाख गांव है, क्या लोग इस तस्वीर के जरिए जो है मुद्दा मान करके भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, या किसी भी राज्य में सत्ता के खिलाफ वोट करके कांग्रेस का चयन करेंगे? यह बिल्कुल एकदम नहीं। देखिए ये तस्वीरों के जरिए आज की राजनीति 21वीं सदी की जनता है, वो अपना राष्ट्रीय स्वाभिमान से देख करके जो है जो समाज में जो 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 स्थिति जो राजनीति की है, या सामाजिक संगठन की है, विचारों की है, या मूल्यों की है, प्रतिमानों की है, इन सब चीजों पर नजर रखती है, और उसके उसके समग्र परिप्रेक्ष्य में जो है अपना मतदान करती है। ठीक है अरविंद जी, अमिताभ जी ठीक, ए के मिश्रा जी, एक बार मैं बिहार के चुनाव में गया तो वहां राहुल गांधी आए हुए थे उस दिन, तो सब चले गए, तो मैंने लोगों से पूछा, अब साल साल में भूल जाता हूं, घटना मुझे याद रहती है, महबूब अली कौसर क्या था नाम, वो अध्यक्ष थे उस वक्त वहां के, अब साल ये त्रिपाठी जी ढूंढ लेंगे। तो लोगों ने कहा राहुल गांधी अच्छे आदमी है, लेकिन कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा, महबूब अली को वोट क्यों दे, ये तो किसी लायक है नहीं। तो यहां तो लालू और नीतीश का ही मामला है, यानी राज्य ऐसे सोचता है, और केंद्र का लोकसभा का चुनाव हो तो भी कांग्रेस जनता की पसंद नहीं बन पा रही।
बीजेपी ने इसके उलट ये कर लिया कि त्रिपुरा में हो, मेघालय में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हो हरियाणा में, वो कहते सब छोड़ो आप मोदी को देखो, और रिजल्ट आ रहा है। ये अंतर है ना एक मिश्रा जी, ये जो एक जो भी आपका चेहरा हो एक्स वाई जेड, उसकी स्वीकार्यता तो जनता में होनी चाहिए। वो स्टेट के लिए वोट मांगे तो, चुंगी के लिए मांगे तो, और लोकसभा के लिए मांगे तो नहीं। देखिए अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं वो सत्य है। मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी देश में, स्पेशली भारत जो कि भावना प्रधान देश है अभी नहीं लाखों सालों से, यहाँ पे राजा बनना या एक चेहरा बनना या एक नेता बनना बड़ा टिपिकल टास्क है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम है। अभी कोई बोल रहा था कि साउथ में कांग्रेस कभी मजबूत थी, अभी है नहीं है नॉर्थ में। सवाल ये है कि जब अंदरूनी रूप से जो कांग्रेस कमजोर है, पहले अपने आप को वहां मजबूत बना ले, उसके बाद फिर प्रदेश स्तर के लोग अपने आप मजबूत हो जाएंगे, जिला स्तर के अपने आप मजबूत हो जाएंगे। कोई ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, कोई सिस्टमेटिक अप्रोच, कोई सिस्टम। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ 10 जनपद हेड ऑफिस में नौटंकी चल रही है, पूरी दुनिया ने देखा ना, तो कहीं से कोई कोऑर्डिनेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इनका कोई बड़ा नेता या राहुल गांधी ही कोई अच्छी चीज बोलेंगे, उसके बाद इनके जो स्वयंभू धुरंधर है दिग्विजय सिंह या कोई ऐसी चीज बोल देंगे जो पूरे के पूरे भारतीयों के जनमानस को जो है झकझोर देगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको भारत में नेता बनना है, आपको ताल तरैया, तारा पोखर, नदी नाला बाहा, इसमें फर्क नहीं पता है, तो आप भारत में नेता नहीं बन सकते हैं। कहने का मतलब, भारत की भूमि की नब्ज को अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं तो आप यहाँ पे नेता नहीं बन पाएंगे। माइक्रो और मैक्रो लेवल पे जो सिंक की कमी है, जो देश को, जो देश के नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं, सारी मेहनत धीरे धीरे करके ये बेकार, हर बार जो फेल्योर कांग्रेस का हो रहा है उसके पीछे ये कहीं ना कहीं मिसमैच है, रॉन्ग पोजिशनिंग है कि बात कब कहां पे कौन सा मुद्दा क्या उठाना है उसका एकदम से। देखिए जैसे बारिश वाला है, किसी कांग्रेस के नेता को ये नहीं पता, अगर वो ये बोलते कि कोई काम करते यज्ञ वगैरह या कुछ भी आप करिए, अगर बारिश हो जाए तो उसको इंद्र का, प्रभु का आशीर्वाद माना जाता है, काम सफल होगा। इस तरीके से इन्होंने कोरिलेट नहीं किया कि हाँ हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, देखिए इंद्र भगवान का, देवताओं का भी आशीर्वाद है ये बारिश और बेरोजगारी दूर होगी। इन्होंने कोरिलेशन भी किया तो इतना गलत कोरिलेशन किया, भारतीय प्रतीकों के साथ कोरिलेट, मैं समझ गया आपकी बात, भारतीय प्रतीकों के साथ कोरिलेट करने, ठीक बात, ठीक मिश्रा जी, ठीक। मैं अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा। मिश्रा जी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको मैं और क्लियर कर दूं, जितना मैं समझ पाया, भारतीय प्रतीकों के साथ कोरिलेट करना एक काम है, वो ना भी कर पाए अगर तो यथास्थिति बनाए रखें, अगर भारतीय प्रतीकों के विरुद्ध अपने को कोरिलेट ना कर लें जाने अनजाने, वो डबल नुकसान हो रहा है। कांग्रेस डबल नुकसान से जूझ रही है, नुकसान से नहीं। बारिश सगुन अच्छा है ये नहीं कहा, चलो छोड़ो, सैफ अली तैमूर क्या इंप्रेशन दे रहा है, यही रावण है मानो संघियों, ये कहने की क्या जरूरत है? इसके लिए वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी क्या कि सब लोग ये बोलो? गांव देहात में इसका क्या असर होता है जाके पता है? सारी यात्रा एक तरफ, ऐसी कोई बात एक तरफ। खैर अमिताभ तिवारी, एक जब मैं देखता हूं तो कोई भी चीज अगर डिटोरिएट की तो उसके कई कारण होंगे। इतना बड़ा संगठन अगर डिटोरिएट किया, जबकि फर्स्ट फैमिली वही है, राइट फ्रॉम मोतीलाल जी टू राहुल गांधी, फैमिली तो वही है। क्या समस्या यहां पर है कि इंदिरा गांधी के पास, जवाहरलाल जी छोड़िए बहुत पुरानी बात, इंदिरा गांधी के पास कमलापति थे, हेमवती नंदन बहुगुणा थे, अर्जुन सिंह थे, ये जो तमाम अपने अपने राज्य में परिणाम देने की हैसियत वाले लोग थे, तमाम एक ही केंद्रीकरण के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने ऐसी एक टीम अपने साथ जोड़कर रखी। इस वक्त कांग्रेस के पास मुझे लगता वैसी टीम शायद नहीं है जिसमें ऐसे लोग हो जो अपने प्रदेश में 5 लोकसभा भी जिताने की हैसियत में हो।
अमिताभ जी, अमिताभ तिवारी आपको आवाज आ रही भैया? हाँ जी जी। तो देखिए हुआ क्या है कि जैसे आपने इंदिरा गांधी जी का एग्जांपल दिया, इंदिरा गांधी सुप्रीम लीडर थी कांग्रेस पार्टी की, उनको किसी से कोई कंपटीशन नहीं था, भय नहीं था, इसलिए उन्होंने काबिल लोगों को अपनी कोटरी अपनी एक टीम में रखा था। जब से सोनिया गांधी जी आई हैं तब कांग्रेस एक पतन के दौर में है, और जो गांधी फैमिली लीडरशिप है कहीं ना कहीं उनको एक हमेशा एक डर सताए रहता है कि कोई दूसरा लीडर आकर के हमारी जो पोजीशन है उसको न ले ले। इसके कारण जो टीम है, जो सेकेंड रंग ऑफ लीडरशिप है, वो बहुत ही कमजोर हो गई है। और हर राज्य में हमने देखा है कि फैक्शनलिज्म, यानी चार पांच लीडर, गहलोत पायलट, टीएस सिंहदेव बघेल, दिग्विजय कमलनाथ सिंधिया, हर जगह हर स्टेट में क्लियर लीडरशिप इन्होंने डिफाइन नहीं करी है।